जयेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:41 PM अभी जस्ट 11 मिनट्स हुई है मार्केट क्लोज हुए। एंड मार्केट देखा जाए तो अच्छा ही किया है, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन। मैं सोच रहा था आज 6:33 वॉज नॉट एनफ फॉर मी। जो फ्यूचर्स का भाव आया, मुझे आज 3,800 प्लस दिख रहा था, तो आई वॉज शॉर्ट बाई 200 पॉइंट्स। बट ओवरऑल अगर आप चेक करो तो यस्टरडेज क्लोज वाज, कल की जो क्लोज थी बैंक निफ्टी की, वो 423 थी फ्यूचर्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉट। आप अभी फ्यूचर्स को देखिए, 423 का कल का क्लोजिंग था फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी में। सबसे पहली बात, आज कल फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में था, नाउ टुडे द फ्यूचर्स हैज़ बीन ब्रॉट इनटू प्रीमियम। पॉइंट नंबर वन, कल फ्यूचर्स डिस्काउंट में था इसीलिए कल आपको क्लोजिंग 423 दिख रही है, ठीक है, फ्यूचर्स की, जबकि स्पॉट की क्लोजिंग कुछ ज़्यादा थी कल की, यस्टरडे की। आज फ्यूचर्स में आप देखो, लास्ट ट्रेड हुआ है, लास्ट ट्रेड वॉज 509। दैट मीन्स फ्रॉम यस्टरडे द लास्ट ट्रेड वॉज, दैट मीन्स द ऑपरेटर्स वेयर विलिंग टू बाई बैंक निफ्टी अबोव 85 पॉइंट्स फ्रॉम यस्टरडेज क्लोज, इन स्पाइट ऑफ ए बैड डे। आप इसको गुड डे नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये बैड डे ही रहा, क्योंकि जो हम तेजी आज गज केसरी योग के हिसाब से देख, हालांकि गज केसरी योग कल भी कंटिन्यू रहेगा, सो डोंट वरी। अगर कल तेजी आती है मतलब ये कन्फर्मेशन आज इसने उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर नहीं चलता है। मार्केट रन्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मार्केट रन्स ऑन टेक्निकल्स प्लस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज एन एडेड एडवांटेज, बट मार्केट का जो डॉक्टर है वो टेक्निकल्स है दोस्तों। मार्क माई वर्ड्स, मार्केट्स ओनली डॉक्टर इज टेक्निकल्स, देन एस्ट्रोलॉजी इज ए हैंडी टूल टू हैव इन द बैग। एस्ट्रोलॉजी इज ए हैंडी टूल टू हैव इन द बैग अलॉन्ग विथ टेक्निकल्स। तो उससे क्या होता है, आपको ग्रहों की भी आइडिया रहती है कि इस समय गुरु ग्रह अगर स्ट्रांग है तो, और बुध स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, बट ओवरऑल जो मेन डॉक्टर है स्टॉक मार्केट का वो टेक्निकल्स है। यू शुड लर्न टेक्निकल्स। अगर आपको दांत में दर्द है तो यू हैव टू गो टू ए डेंटिस्ट, नॉट टू ए नॉर्मल फिजिशियन। स्पेशलिस्ट इसका जो है वो टेक्निकल्स है, बट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो ए हैंडी टूल टू हैव इन द बैग। तो आज क्या हुआ देखिए, 423 कल की क्लोज थी, आज लास्ट ट्रेड 509, यानी कि कल कल की क्लोज से भी 86 पॉइंट ऊपर माल लेने रेडी था ऑपरेटर बैंक निफ्टी। मैंने आज खाली बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी यूज किया था वर्ड, नॉट निफ्टी। तो अगर ऐसा देखा जाए तो कल की क्लोज, जिसने फ्यूचर्स में अगर कल बाई भी करके रखा था तो उसको आज 80 लास्ट में भी 86 पॉइंट ऊपर, और सुबह ही आपको देखिए बैंक निफ्टी कल की क्लोज से 210 पॉइंट ऊपर गया। यस्टरडेज क्लोज वॉज 423 एंड टूडेज हाई इज 633, और अल्टीमेटली कल की क्लोज से ऊपर बंद हुआ है। अब स्पॉट की मत देखिएगा, स्पॉट में जरूर नीचे दिख रहा है। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं हम लोग चार्ट की। लेट अस टॉक अबाउट द चार्ट्स नाउ। अब चार्ट्स में भी आप देखो एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना है, रेड स्पिनिंग टॉप, चाहे रेड हो चाहे वाइट हो, इट हैज इंपॉर्टेंस व्हेन इट इज मेड इन अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब 3 दिन से मार्केट डाउन आ रहा है, तो आज डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप बना है। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, जहाँ दोनों साइड वीक हो, वीक वीक हो, या शेडो बोलते हैं इसको, आप शेडो भी बोलते हैं और वीक भी बोलते हैं, तो दोनों साइड वीक, डंडी जो है इसको वीक बोलते हैं WIC के, और एक छोटी सी बीच में बॉडी हो, बॉडी ये जो रेड कलर की है इसको बॉडी बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक में अगर बॉडी छोटी हो और दोनों साइड वीक हो, लगभग इक्वल लेंथ की हो, तो इट इज़ नोन एज स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, कल अगर ये आज का हाई टूटता है और लो नहीं टूटता है, तो आज का हाई देख लेते हैं हम लोग कितना है। कल अगर आज का हाई टूटता है, सुन लीजिए मेरी टेक्निकल की भाषा पूरी क्लियर सुनिएगा। अच्छा मुझे 3:30 बजे एक फ़ोन आया सर, मैंने बैंक निफ्टी का कॉल लिया, तो यार मैं क्या करूँ,
आपने लिया या बेचा, दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न ब्रो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको फ़ायदा तो आपके घर में, आपका नुकसान, और नुकसान किसी को भी नहीं हुआ क्योंकि कल से ऊपर ही बंद हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कल बड़ी तेज़ी भी आ सकती है बैंक निफ्टी में, बहुत बड़ी, नॉट बड़ी, कल हम 31,000 का स्तर कल ही छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं इसका रीज़न समझाता हूँ। पहले तो एक स्पिनिंग टॉप बना और आज का हाई कितना है, 610.70। कल जैसे ही 611 के ऊपर निकलेगा, कल आपको खाली एक ही चीज़ चेक करना है, 329 कल किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। कौन सा 329? अगर टूटता है तो ये स्पिनिंग टॉप फेल हो गया। 30,329, आप लोग स्पॉट की भाव बोल रहा हूँ, अभी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। स्पॉट मतलब कैश के भाव, ये कैश के, ठीक है, नॉट फ्यूचर्स के। 30,329 जो आज का लो है वो कल टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न फेल हो गया, समझ जाइएगा। क्या समझे? अगर 30,329 कल टूटता है तो स्पिनिंग टॉप पैटर्न फेल हो गया, जो आज का लो है। और अगर ये नहीं टूटता है और 611 का आज हाई है और 611 के ऊपर निकलता है तो कल इतनी बड़ी जोर से तेजी आएगी, 300-400 रुपया तो तुरंत खींच देगा ये, तुरंत 300 रुपया तो मान के चलिए, यानी कि 30,900 तो मेरा कल का मिनिमम टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 30,329, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब स्पॉट फॉर टुमारो माय बैंक निफ्टी स्पॉट टारगेट इज 30,911। स्पॉट का है, स्पॉट का, इससे इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या आता है मुझे मालूम नहीं, मिनिमम। एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज 30,328, ठीक है। कल मेरा मिनिमम टारगेट बैंक निफ्टी का कितना है, और कल नहीं आता तो मैं मानूंगा मेरी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग भी रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग, क्योंकि कल भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कल भी गजकेश्वरी योग चालू रहेगा, क्योंकि आज 12:30 बजे ये चालू हुआ है, आज 12:30 बजे ये चालू है। चलिए हम प्लानिटरी पोजिशन एक सेकेंड के लिए, मैं आज निफ्टी की बात भी नहीं करूँगा, आई नॉट टॉक अबाउट निफ्टी एनी मोर टूडे, क्योंकि आज मेरा टोटल फोकस बैंक निफ्टी में था और मैंने आज पैसा कमाया है। इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट आई हैव अर्न मनी, क्योंकि मैंने सुबह ही कल का लिया हुआ माल बेच दिया था, उसके बाद नीचे ही बाय किया मैंने, जहां मुझे, मैंने कोशिश किया कि जब एक बार लो जरूर टूटना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था, और वो टूटा तब मैंने बाय किया था, और लास्ट में मैंने अभी तक बेचा नहीं है उसको, कल बेचूंगा, कल भी 911 के पहले नहीं बेचूंगा, 911 से बेचना स्टार्ट करूंगा। तो कल का देखते हैं स्टार, ये कल का 26 फरवरी है, कल 26, तो कल अगर, कल भी गजकेश्वरी योग है कि नहीं वो देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कल भी, आप देखो वेनस एंड मून टुगेदर इन मीन राशि, मीन मतलब पाइसेस, एंड जुपिटर यानी कि गुरु जो है अपनी खुद की राशि सेजिटेरियस, या इसको धनु बोलते हैं, धनु 9 नंबर मतलब धनु या सेजिटेरियस, 12 मतलब पाइसेस और मीन। तो आप देखें यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो कल भी गजकेसरी योग है, तो कल तो 100 में से मैं 80% इसको चांस देता हूँ कि कल बड़ी तेज़ी कन्फर्म दिखाएगा बैंक निफ्टी, 100 में से 80। इसका मतलब मैंने हर बार बोला हर वीडियो में, मैं भगवान नहीं हूँ, और मुझे अगर जिस जो भी फ़ोन करता है बेचारा ब्लॉक होता है। मैं कोई आपको ट्रेड नहीं सिखा रहा हूँ बॉस, आप अपना दिमाग लगाओ, सर ये मैंने लिया क्या करूँ, तो यहाँ क्या मैं सबको, अगर मेरे इसमें यूट्यूब में 28,000 लोग देखते हैं तो सारे फ़ोन करेंगे सर मैं ये लेके बैठा हूँ, ये यहाँ नहीं, आपको मैं नॉलेज दे। अब मैं बता रहा हूँ क्यों बैंक निफ्टी बढ़ेगा, ये भी बताता हूँ चार्ट से। मुझे अब मेरा पर्सनल टारगेट, ये किसी और के लिए नहीं है,
माई पर्सनल टारगेट इज टिल 29 तारीख तक मेरा पर्सनल टारगेट, ये आप लोग फॉलो मत करिएगा प्लीज, मैं उसका रीजन समझा दूंगा, लेकिन माई पर्सनल टारगेट फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट टिल 29th, इस ये मैंने 29th का ना, तो 29th को क्या फ्राइडे का पहले देख लेता हूँ मैं, 28 फरवरी को ना, तो 28 तारीख तक, सॉरी टिल 28th, आपका एक्सपायरी 27 को, लेकिन हमारा फ्राइडे 28 को है, टिल 28th, तो एक दिन एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ आपसे मैं, फेब्रवरी इज 31,490 प्लस, ये स्पॉट का फिगर है, ये मेरा पर्सनल टारगेट है, आपको इसका रीज़न मैं अभी दिखा देता हूँ, ये सही होगा नहीं होगा ये भगवान जाने, बट मेरा पर्सनल टारगेट ये है 28 फरवरी तक, नॉट 27, 28 तारीख तक मेरा पर्सनल टारगेट है 31,490 प्लस। अब मैं इसका रीज़न समझाता हूँ, मैंने जो रीडिंग की है मैंने काफ़ी एडवांस में कर ली है, हो सकता है मैं रॉन्ग भी निकल जाऊँ, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ज़रूर कि मैंने क्या पढ़ा है, ये देखिए आप एग्जैक्टली देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आज का लो, ये आज ऐसा कैंडल बनाना ज़रूरी था इसीलिए, और ये डब्लू, डब्लू 31,500 के ऊपर ले जा रहा है, इसको देख सकते हो, ये देखो इट इज़ गोइंग अबव 31,500, तो मैं आपको सेफर साइड में 31,490 का मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ दिस इज़ माई पर्सनल टारगेट, सब्जेक्ट टू कल 30,611 टूटे तो उसके ऊपर निकलना चाहिए बैंक निफ्टी को स्पॉट में, तब तब तब, और अगर 30,329 आ गया तो एवरी ड्रीम गॉन शेटर्ड, हाँ सारे के सारे ड्रीम्स बिखर जाएंगे, समझ में आया, ये ड्रीम मेरे ड्रीम ही रह जाएंगे और मेरा पोपट हो जाएगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद दोस्तों, और इंदौर की ट्रेनिंग 1 तारीख को है, 1 फरवरी इंदौर, 7 फरवरी सूरत, 1 मार्च इंदौर, 7 मार्च सूरत, एंड 14 मार्च भुवनेश्वर, एंड 22 मार्च दिल्ली, एंड 29 मार्च मुंबई। सब जगह की फीस 9,000 है, खाली मुंबई की फीस 7,000 रुपये है, सब जगह की बाकी 9,000 है, लेकिन इंदौर में जो 1 तारीख है, मैं ऐसे 10 लोगों को आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 10 लोगों को जिनको फाइनेंशियली रियल में तकलीफ है, 10 लोग को मैं 5,000 में अलाउ करूँगा, ओनली 5,000 में इंदौर में, क्योंकि वो मेरे गुरुवर का स्थान है, और शायद मेरी ये लास्ट ट्रेनिंग है मंथली वाइज, अब मैं वहाँ पे 3 महीने में एक ट्रेनिंग रखूँगा, एवरी 3 मंथ्स नॉट एवरी मंथ, तो ये लास्ट ट्रेनिंग भी समझ लीजिए एक बार इंदौर में, अब मैं 3 या 4 महीने में रखूँगा, और वहाँ पे फीस मैं शायद 5,000 ही रख दूँगा हमेशा के लिए, वहाँ कमाने के लिए मैं ट्रेनिंग रखूँगा ही नहीं, ठीक है। तो इस बार भी मैं 10 लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, एक होली स्पेशल समझ लीजिए, चाहे मेरे तरफ से तोहफा, कि जो लोग फाइनेंशियली वीक है, जो मुझे लिखेंगे कि सर मैं रियल में वीक हूँ और मुझे लगेगा, तो मैं अलाउ करूँगा 5,000 में इंदौर में, ओनली इंदौर, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।